नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार सिंह एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस वीडियो सीरीज में, जहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं टैबलू के ऊपर। तो पिछले 2-3 क्लासेस में मैंने टैबलू के बारे में बताया था। आज हम आपको बात कर रहे हैं कि टैबलू और एक्सेल में क्या कंपेरिजन है और किस पार्ट एक्सेल के किस पार्ट को टैबलू में एडवांस रूप से दिया गया है। तो एक्सेल वीएस टैबलू आज का हमारा ये टॉपिक है। देखिए, जब भी आप कोई टैबलू का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो आपको कुछ सैंपल फाइल्स मिलते होंगे प्रैक्टिस के लिए, सैंपल डेटा। तो वो कहाँ मिलेगा? आप डॉक्यूमेंट में जाएंगे, माय टैबलू रिपोजिटरी करके एक फोल्डर होगा, उस फोल्डर पे आप क्लिक करेंगे और इसमें आपको डेटा सोर्स और यहाँ पे जो साल का होगा वो 0.2 करके होगा, उस पर क्लिक कीजिएगा। इंग्लिश में इसको क्लिक कीजिएगा। तो ये हमारे सैम्पल्स हैं। तो चलिए इस एक्सेल फाइल को हम खोलते हैं। इसको सुपर स्टोर करके नाम होगा, सैम्पल सुपर स्टोर, सैम्पल सुपर स्टोर एंड वर्ल्ड इंडिकेटर करके कुछ और भी हैं, सैम्पल्स हैं। तो एक्सेल की सैम्पल फाइल को हम ओपन करते हैं। ये तकरीबन डेटा जो आपको मिला है, तकरीबन ये 10,000 का डेटा है, मैं 10,000 लाइन ऑफ रो का डेटा है। और ये डेटा है क्या, इस डेटा को समझिए। तो बेसिकली ये एक ऑनलाइन परचेजिंग साइट का, एक ऑनलाइन जो साइट्स हैं, ई कॉमर्स साइट्स हैं, उनका एक डेटा है जिसमें वो किस डेट को ऑर्डर जनरेट हुआ, ऑर्डर डेट, ऑर्डर आईडी क्या है, ऑर्डर डेट शिप हुआ नहीं हुआ वगैरह 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 का पूरा यहाँ पे है। क्वांटिटी कितनी थी, डिस्काउंट कितना था, कितना प्रॉफिट हुआ वगैरह पूरा डेटा दिया गया। तो इस फाइल में 3 टेबल है। एक है आपका रिटर्न का, इसमें से कौन से माल रिटर्नेड हो गया है। ये रिटर्नेड इसमें से देखिए, आपका रिटर्नेड जो है तकरीबन कुछ डेटा रिटर्न हो गया है और ये आपकी पीपल्स है रीजन वाइज। तो 3 डेटा दिया गया है। अब जैसे कि आप मुझे अगर समरी निकालनी है पिवट के जरिए, तो हम क्या करते हैं, जैसे रिपोर्ट करना है, समरी निकालना है, एनालिसिस करना है, तो हम लोग पिवट टेबल इस्तेमाल करते हैं, पिवट टेबल। और हमने इसमें से यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है कि सेल्स को हमने यहाँ रख दिया और हमने रीजन को यहाँ रख दिया। तो रीजन वाइज हमारा सेल्स का डिटेल दिख गया। ये हमने सिंपल समरी निकाल ली। तो कुछ इसी तरह का चीज़ें हम पिवट में करते हैं, इसमें टैबलू में करते हैं। तो टैबलू में भी हम गए, टैबलू में आप डायरेक्ट जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके यहाँ इस पे जब क्लिक करेंगे, आपका जो फोल्डर है, फोल्डर के जो सैम्पल इस उसके ऊपर सैम्पल इसका सुपर स्टोर टैबलू का भी फाइल है, टैबलू डेटा सोर्स भी है, इस पे डबल जब क्लिक करेंगे तो आपका एज ए टैबलू ओपन हो जाएगा। ऐसे यहाँ अगर टैबलू डेटाबेस डायरेक्टली कनेक्ट करना चाहे तो भी कनेक्ट कर सकते हैं। इससे पहले वीडियो में हमने बात की थी कि ये सारे डेटाबेस कनेक्ट के सपोर्ट करता है, जैसे गूगल एनालिटिक को भी सपोर्ट करता है, शैप्स वगैरह को भी सिलेक्ट कर सपोर्ट करता है, तो ये सब चीज़ों को सपोर्ट करता है। तो लेकिन हम बात कर रहे हैं कि हमने अभी एक्सेल पे अपने इसी डेटा सोर्स जो ऑर्डर डेटा है, उस डेटा पे हमने रीजन वाइज एक समरी निकाली। सेम चीज़ हमने डबल क्लिक किया या लोड कर लिया डेटा को, तो आप देखिए आपके डेमोनेशंस एंड मेजर्स है, ठीक है। तो मैंने भी क्या किया, इसमें से जो हमारा सेल्स है, इस सेल्स को उठा के हमने बीच में ड्रॉप किया। यहाँ सीट्स होते हैं, सीट्स पे होता है यहाँ पे आपको, तो ये पहले से बने हुए हैं, इसमें बहुत सारे सेगमेंट वगैरह बना हुआ है। एक मिनट मैं इसको उठाता हूँ और यहाँ रो में रखता हूँ। अच्छा, इसमें सेगमेंट वगैरह बना हुआ है, इस कारण से ऐसा हो रहा है। मैं इसको नो करके बंद करता हूँ, मैं दोबारा से लोड करता हूँ। एक्सेल फाइल, डॉक्यूमेंट और अपने यहाँ रिसोर्स में, टेबल रिपोजिटरी में आ गया डेटा सोर्स 2.2 इंग्लिश, और हमने यहाँ पे सुपर स्टोर सैंपल ईयू सुपर सोर्स को ओपन किया। ये हमारा ओपन हो गया। उसके बाद यहाँ वर्कशीट कहा जाता है, जैसे आप देखिए ऑर्डर्स पे क्लिक करें
तो ये आपके सारे ऑर्डर्स की डेटा है, और जब ऑर्डर पे क्लिक कर लेंगे तो यहाँ आपको शीट, यहाँ गो टू वर्कशीट आ रहा है ना, तो वर्कशीट पे शीट वन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखेगा। तो इसमें जैसे हमने पहले भी बात की थी कि आपके जितने भी वैल्यू हैं, वैल्यू वाले फील्ड है, वो आपको मेजर्स में चले जाएंगे, और जो आपको आपके जो ए है, ए बी सी वाले प्रोडक्ट है या डेट है, वो आपको डायमेंशन में चले जाए, डिमोनेशन में चले जाएंगे। तो मैं यहाँ से जून बाइज हमें करना है, तो हमने रीजन, सॉरी रीजन, रीजन को उठाया और हमने रो में रख दिया, और फिर हम सेल्स को उठाए और सेल्स को उठा के हमने रख दिया इसमें, और सेल्स का हमारा सम है। सम के अलावा कुछ और करना है तो कर सकते हैं, ये आपका आ गया। अब जैसे आप एक्सेल पे आपने चार्ट लगाया, ऐसे आपका एक्सेल पे जैसे आपने समरी किया, ऐसे आपका यहाँ टैबलू पे भी समरी हो गया। अब एक्सेल पे आप पिवट चार्ट लगाते हैं, तो जैसे कि हमने यहाँ रीजन पे गए और पिवट चार्ट पे क्लिक किया और अपना एक चार्ट ले लिया, तो आपका चार्ट बन गया। सेम उसी तरह से टैबलू पे आप जाएंगे और यहाँ से आप अपने डेटा को चार्ट्स में सिलेक्ट करेंगे तो चार्ट्स हो जाएगा। चार्ट्स में आपका क्लिक हो गया, इसको बड़ा करना चाहो तो आप बड़ा भी कर सकते हो। तो ये रिपोर्ट्स आपका बनके तैयार हो गया। बाकी आपका डीएक्टिवेटेड है, बुलेट ग्राफ में भी आप ले सकते हो, हिस्टोग्राम में ले सकते हो। देखिए ये सब डे एक्टिवेट है क्योंकि इसके अकॉर्डिंग डेटा नहीं है, जैसे डेटा इसके अकॉर्डिंग होगा ऑटोमेटिकली वो हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि हमने इस कंट्री को जोन लिया है, जोन बाई जाए, और कंट्री को भी हमने कॉलर में रख दिया। अब यहाँ देखिए हमारा जियोग्राफिकल डेटा स्टार्ट हो गया। अच्छा, ऑनलाइन क्लाउड मैप नहीं डाउनलोडेड है इसलिए ऐसा आ रहा है आपका, ये इंटरनेट कनेक्ट होगा तो दिख जाएगा। और देखिए आपका ए भी स्टार्ट हो गया, अब ए भी आपका हो जाए, जैसे दो फील्ड हुआ, दो फील्ड में आपका बहुत सारे चार्ट एक्टिवेट हो गए। तो जैसे जैसे आप करेंगे जैसे जैसे चार्ट भी आपका एक्टिवेटेड होते चला जाएगा। तो ये आपका जैसे एक्सेल पे यूज करते हैं पिवट टेबल, सेम उसी तरीके से यहाँ भी इस्तेमाल होता है आपका डेटा का। और आप अपने इस पिवट में मोर देन 100 डेटाबेस को कंपेयर कर सकते हो, सैप से लेके टैबलू से लेके हर चीज़ को कर सकते हो। तो इसी के साथ हमारा बने रहिए हमारे साथ, और हमारे इस वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे हमारे और भी बहुत सारे एक्सेल वीवी एक्सेस की वीडियोज हैं, आप चैनल पे जाएं वहां से ले सकते हैं, या फिर हमारे ऑनलाइन लाइव क्लासेस को आप ले सकते हैं। ऑनलाइन लाइव क्लास लेने के लिए मेरी वेबसाइट iptindia.com पे जाएं, वहां आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ रिकमेंड कीजिएगा।